हेरा फेरी, हलचल, दे दनादन और मालामाल वीकली जैसी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म्स देने वाले प्रियदर्शन की 8 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी, शिल्पा शेट्टी की 14 साल बाद स्क्रीन पर वापसी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल, मनोज जोशी और टीकू तलसानिया जैसे बॉलीवुड कॉमेडीज के देवता न जाने कितने टाइम के बाद एक साथ स्क्रीन पर। सोच के देखिए, एक कॉमेडी फिल्म को जानदार बनाने के लिए और क्या चाहिए। लेकिन हंगामा 2 में इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। हंगामा 2 देखते हुए मुझे एक बार को लगा कि यार पहले अपन कैसी कैसी फिल्में बना देते थे, फिर मीज़ान जाफरी की शक्ल देख के याद आया कि नहीं, ये तो अभी बनी है। हंगामा 2 के बारे में ऐसे समझिए कि मैं बैटमैन नाम से फिल्म बना दूं और उस फिल्म में सब कुछ हो सिवाय बैटमैन के। बॉलीवुड से पिछले कुछ टाइम में जैसी कॉमेडी फिल्म्स आ रही हैं उन्हें देख करके मुझे लगता नहीं कि डायरेक्टर्स इन फिल्मों को खुद बना रहे हैं, बल्कि शायद किसी सस्ते मीमर को ऐसी कॉमेडी फिल्म बनाने का ठेका दे दिया गया है और हंगामा 2 भी उसी ठेकेदार ने बनाई है। इस फिल्म में हंगामा जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन जितना चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों ने अपने डायलॉग्स बोले हैं, इसका टाइटल शोर शराबा ज़रूर रखा जा सकता था। अब कहानी वहानी का तो ऐसे समझ लीजिए कि आकाश यानी मीज़ान जाफरी एक लड़का है। अब क्या लड़का है, क्या करता है, क्यों करता है, ये सब फिल्म हमें नहीं बताती, तो मैं आपको कैसे बता दूँ। बस आकाश की सगाई होने वाली है और वाणी वहाँ पर अपने बच्चे के साथ प्रकट हो जाती हैं, वाणी यानी प्रणीता सुभाष। अब आप कमाल देखिए कि स्टेशन पर एकदम स्टाइलिश ही बनकर उतरी वाणी आकाश के घर पहुँचते पहुँचते सूट साड़ी में आ जाती है और पहुँचते ही घोषणा कर देती है कि भाई मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ। क्यों? क्योंकि गोद में जो बच्चा है ये आकाश का है। नहीं नहीं, वो ये नहीं कहती कि आकाश ने उससे शादी की थी, सिर्फ ये बच्चा आकाश का है इसलिए वो अर्धांगिनी हो गई। बेड़ा गर्क हो, सिंगल मदर्स दा संस्कार देख रहे हो आप हमारी बच्ची के। लेकिन आकाश का कहना है कि भाई कॉलेज में वाणी के साथ उसका जो लव अफेयर था वो ऐसे गालिब वाला इश्क नहीं था, बस बुटरगू टाइप सा था और इस पाप का बाप वो नहीं है। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए आकाश अपनी सेक्रेटरी अंजलि यानी शिल्पा शेट्टी से हेल्प लेता है, लेकिन सिचुएशन के पूरे फंसे हुए पेच में अंजलि का हस्बैंड तिवारी यानी परेश रावल ये समझ बैठता है कि आकाश और अंजलि का गुटरगुट चल रहा है। इस पूरे बीच में कहीं पे एक भूले बिसरे से गाने में आकाश और वाणी की लव स्टोरी सी भी नज़र आती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है ऐसा डायरेक्टर को लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है आपका सिनेमा से विश्वास उठ जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए प्रियदर्शन की 1994 में आई फिल्म मिन्नारम का स्क्रीन प्ले अडॉप्ट किया गया है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये फिल्म 1994 से भी ज़्यादा पुरानी दिखाई देती है। हंगामा 2 में मीज़ान और प्रणीता की लव स्टोरी भी सही से निकल कर नहीं आती और ना ही कोई दूसरा इमोशन सही से स्क्रीन पर दिखाया गया है, बल्कि सब प्लॉट्स में इतनी इनकंसिस्टेंसी है कि रिव्यू करते हुए मुझे दर्द हो रहा है। वो तो भला हो राजपाल यादव का, जिनके स्क्रीन पर आने के बाद थोड़ी हंसी वसी आती है, वरना तो फिल्म में शिल्पा शेट्टी को भी एकदम किनारे कर दिया गया है, जबकि ट्रेलर देख के लग रहा था कि शिल्पा शेट्टी का रोल अच्छा खासा लंबा है। आशुतोष राणा का काम फिल्म में एकमात्र याद रखने वाली चीज़ है बस, और हंगामा की याद के नाम पर यादों के झरोखों से निकाल कर अक्षय खन्ना का एक केमियो करा दिया गया है जो उतना ही एक्साइटिंग है जितनी ये फिल्म है। कुल मिलाकर कहूँ तो हंगामा 2 में कॉमेडी के नाम पर ठुल्लू है, ये एक थकाऊ और बोरिंग फिल्म है जिसके टाइटल में हंगामा लिख देने से ओरिजिनल फिल्म का नाम भी खराब ही हुआ है बस। हमारी तरफ से हंगामा 2 को 1 स्टार।